संसद में आज केंद्र सरकार दिल्ली के अध्यादेश से संबंधित अध्यादेश ला सकती है। इसके चलते सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है। इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है। जद ने भी मानसून सत्र के लिए पार्टी के राज्यसभा सांसदों को दिल्ली से संबंधित विधेयक के खिलाफ मतदान करके पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है। दरअसल राज्यसभा के उपसभापति और जदयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को भी व्हिप जारी किया गया है। उनके कार्यालय ने ANI से उनके कार्यकाल में पहली बार व्हिप मिलने की पुष्टि की। हाल ही में हरिवंश कई मौकों पर पार्टी की लाइन से अलग चलते दिखे। इसके बाद उनके और पार्टी के बीच मनमुटाव की बातें भी सामने आई थी। हालांकि अब ये देखना होगा कि हरिवंश पक्ष का या विपक्ष में कहां वोट करते हैं। राज्यसभा में JDU के मुख्य सचेतक अनिल हेगड़े ने कहा कि जब भी महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं तो न केवल JDU बल्कि सभी दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी किया है, हमने हमेशा यही किया है। हालांकि हेगड़े ने कहा कि मैं इसका पता लगाऊंगा कि क्या पहले भी किसी अवसर पर सभापति को व्हिप जारी किया गया था या नहीं। बता दें कि हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में JDU ने इसे किनारा किया था, लेकिन हरिवंश ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो इसके बाद हरिवंश पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात भी कही थी। इससे पहले JDU नेता हरिवंश ने नोटबंदी का भी समर्थन किया था।